यानी कि क्वालकॉम सीपीयू में फ्लैशिंग कैसे करनी, कौन कौन से टूल होते हैं इसमें, एमआई के सेट भी आते हैं, ओप्पो के भी आते हैं, और जो लाइव की जो जियो सेट है वो भी, कई सारे मॉडल हैं तो इनके साथ कई सारे जो टूल होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं क्वालकॉम। अब जैसे कि पहला है हम लोग करते हैं क्यूफिल, QFIL फ्लैश टूल, दूसरा है QPST और तीसरा है MSM टूल। ये सारे टूल जो हैं इनको हम यूज करते हैं फ्लैशिंग के लिए। तो जी कौन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा उसी स्क्रीन कंप्यूटर पे हम लोग जो है बताते हैं। कमलेश करिए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर, उसने करना है। चलो जी ठीक, मिनिमाइज करिए इसको। तो इसके लिए आप जो है टूल डाउनलोड करिए QFIL फ्लैश टूल। QFIL हाँ फ्लैश टूल, ये वाला था। क्लिक करिए पहले लिंक पे, नीचे आ जाइए। लेटेस्ट वाला क्लिक करिए, ये तो वीवो के लिए है ना सर? क्वालकॉम वीवो के लिए नहीं, क्वालकॉम सीपीयू के लिए है। क्वालकॉम सीपीयू जिसके अंदर है कोई भी हो यार कोई उसके भी लिए है। सीपीयू हो, सैमसंग में क्वालकॉम होगा तो भी हो जाएगा क्या सर? सारा खेल सकती है होता है बस। अरे ये क्या हो गया जी? हेलो काट दीजिए, काट दीजिए इसको यहाँ से, नुकसान की है। ठीक है, तो क्वालकॉम भाई डाउनलोड हो गया, छोटा सा इसको टूल सर चाहे जो भी मोबाइल हो कॉल से। इसमें ज्यादातर सभी हो जाते हैं। ठीक है, अभी कई सारे टूल हैं, अगर इससे नहीं होगा तो दूसरा टूल यूज करेंगे। ऐसे आ रहा विंडो डिफेंडर वगैरह ऑन तो नहीं? हाँ तो ये ये टूल है, इसी टूल से जो है हमको फ्लैशिंग करनी रहेगी। अब इसके लिए हमें क्वालकॉम सीपीयू के ड्राइवर भी चाहिए होते हैं, तो आप जो है क्वालकॉम सीपीयू के ड्राइवर डाउनलोड करिए। इसको काट दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए, फिर आगे टूल बताते हैं। ये 32 बिट और 64 बिट के हिसाब से अपने अपने कंप्यूटर में जो है इंस्टॉल करना है। वेलकम सीपीयू ड्राइवर सर। जी कौन सी बिट है यहाँ पे, 64 बिट करना, 32 बिट अपने हिसाब से करना है। सिस्टम ये वाला ना सर? जी इसी पे क्लिक करना। चाहिए स्क्रॉल करके ऑटोमेटिक हो जाएगा सर वो 1 मिनट। यहाँ पे नीचे काम डाउन चल रहा है ना, वो टाइमिंग, टाइमिंग के बाद देखो सर हो गया। अच्छा हाँ, वो पीछे टाइमिंग चलती है ना। ओपन करिए, हेलो।
आ गया। बीच में क्या करना है सर? नेक्स्ट पे क्लिक करिए। ये ऊपर नीचे कुछ करना है? नहीं कुछ नहीं करना। रिपेयर पे कर दो, मैंने पहले किए हुए हैं। ठीक। रिपेयर पे कर दो ना सर। कोई दिक्कत नहीं, मॉडिफाइड कर दो या रिपेयर पे कर दो। इसमें से वही कॉम बोर्ड बनता है। नो करिए, नो नो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको करना है, ये तो हो गया जाके टूल, ओके ड्राइवर भी हो गया, टूल भी हो गया जाके। अब आपको चाहिए फ्लैश फाइल, तो फ्लैश फाइल आपके पास कोई पड़ी है क्वालकॉम सीपीयू की? क्या करना है सर? फ्लैश फाइल इसके लिए, इसके बाद हमें चाहिए मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर करना है उसकी फ्लैश फाइल चाहिए। तो फ्लैश फाइल आपके पास पड़ी है? फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल कौन सा है सर? अभी कोई है ही नहीं। अब कल में यहां पे जैसे कि जियो F90M क्वालकॉम सीपीयू लगा है, जो कीपैड वाला। मेरे पास एक जियो का फोन तो है, मेरे पास एक जियो का फोन है, तो उसके अंदर सिर्फ हमें फाइल को देखना है ना कि फाइल किस फॉर्मेट में होती है, उसके बारे में बताना किस तरीके से फाइल सिलेक्ट करनी है। कोई फाइल पड़ी है आपके पास? वही तो पूछ रहे हैं। नहीं फाइल नहीं पड़ी सर। यहां पे टाइप करिए, लिखिए जियो F90M, छोटी फाइल है 5-6 MB की। जियो F90M स्टॉक रोम। ये वाला सर? अरे भैया ये आवाज किधर से? सर जियो का मोबाइल इसी में फ्री टोल से हो जाता है? हाँ फ्री का हो गया, 318 MB का है, इसका हो जाएगी 500 के आसपास MB। इसकी जो फ्लैश फाइल का जो फॉर्मेट होता है वो .mbn में होता है, mbn, जैसे कि हम लोग स्कैटर में MTK में स्कैटर होती थी और स्पेक्टर में पैक होती थी, और क्वालकॉम में क्या होगी mbn फॉर्मेट में हो जाती है। माइक खराब है किसी का? ₹20 करा था ना? हाँ जी। अब ₹20 नॉर्मल में काम थोड़ी करेगा ये वो? हाँ जी। तब तक आप एक काम करिए, दूसरा टूल डाउनलोड करिए। कौन सा सर? QPST टूल। अगर कभी कभी ये होता है ना कि QFIL टूल काम नहीं करता है, तो QPST टूल जो है हम लोग यूज करते हैं। टाइप करिए QPST। क्या हुआ किशन कुमार जी, नेट डाउनलोड हो रहा क्या? चलो खत्म हो गए। कमलेश अपने कंप्यूटर अपने अपने में करिए, अपने में। हाँ करिए करिए, अपने करिए तुम। चलो करिए।
पर यहाँ पे QPST फ्लैश टूल, QPST नीचे दिया है लेटेस्ट। एक घंटे में डाउनलोड, कभी नेट इतना स्लो चलता, कभी बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, अगर और इसके अलावा एक और टूल है, उसको भी डाउनलोड करिए, MSM टूल। MSM फ्लैश टूल, और ये ज्यादातर आपको जब आप फाइल डाउनलोड करोगे उसके अंदर ही मिल जाता है, फाइल फ्लैश फाइल के साथ में ही। MSM क्लिक करिए। ओप्पो डिवाइस सर्विस में लिखा है, क्लिक करिए आप इसको। इस पे क्लिक कर दीजिए, मिरर पे, मिरर पे, मिरर जहां लिखा है ऊपर, ऊपर मिरर क्लिक करिए। मार्क करिए फाइल, डाउनलोड पे क्लिक करिए ना, यहाँ पे लिख के डाउनलोड, कट क्यों कर रहे हो? डाउनलोड एनीवे, क्लिक करिए डाउनलोड एनीवे। तो ये तीन टूल हैं, तीन टूल के माध्यम से ये जो हम लोग फ्लैशिंग करते हैं, पहला QFIL, दूसरा QPST टूल, तीसरा MSM। आप इसको डाउनलोड करिए, तब तक आप जो स्क्रीन स्क्रीन स्टॉप करिए, आप शेयर स्क्रीन को स्टॉप करिए। सर एक और बताए थे ना, आप उसको भी लगा देता हूँ, QFIL फ्लैश टूल। कमलेश करिए कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर। डाउनलोड करिए, स्क्रीन को फुल कर दीजिए। सर इनमें से ये तीन जो आपने टूल्स डाउनलोड करवाए थे, सर कौन कौन से फोन हो सकते हैं? ऑनलाइन को छोड़ के सभी हो जाते हैं। कॉलिंग कोई सकते हैं? और जो ऑनलाइन वाले जो साइट है, ऑनलाइन के अंदर फ्लैशिंग होती है, उनको छोड़ के सारे होते हैं। लेटेस्ट पे क्लिक करिए। सर बोल रहे थे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, ठीक है, ओप्पो, वीवो, ठीक है, और जियो, लाइफ, और जितने भी कंपनियां आती है जिसके अंदर क्वालकॉम सीपीयू लगा, सारे के सारे फ्लैश होते हैं। ठीक है, सर क्वालकॉम के ड्राइवर करिए। क्वालकॉम सीपीयू यूज़ कर रहे हैं हमें।
सब कर रहा है। ड्राइवर डाउनलोड कर ली कमलेश? आया से वो पड़ा है। अच्छा ठीक है। सर ड्राइवर कौन सा है? क्वालकॉम यूएसबी ड्राइवर करके डाउनलोड करेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। ऊपर आइए थोड़ा। नहीं आया बैक करिए, दूसरे लिंक को ओपन करिए। वहां पे लिखा है, एक सेकंड ऊपर आइए, छोटा छोटा लिखा है सी पे क्लिक करें। सही है, नहीं क्लिक हो रहा क्या? वाओ नहीं हुआ है। उसके नीचे लिखा है लेटेस्ट वर्जन। नहीं हो रहा क्लिक, काटिए इसको, काट दीजिए। दूसरा लिंक खोलिए वेबसाइट को। सर ये लिंक कैसे कट जाता है? बार-बार पता नहीं दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं और किसी का नहीं कट रहा, आपका ही कट रहा है। मेरा ही कट रहा है क्या ये? और क्या हमारी पता नहीं। पर ये नीचे सबसे नीचे वाला सर, एक QFIL टूल हो गया डाउनलोड? आपके पास हो गया डाउनलोड? फाइल आपके डाउनलोड अभी आप मेरी वाली? हाँ एक सेकंड सर देखता हूँ। कोई फाइल पड़ी आपके पास क्वालकॉम सीपीयू की? नहीं सर कोई नहीं है कोई फाइल डाउनलोड। ओम प्रकाश तुम्हारे पास कोई फाइल पड़ी है? हाँ सर। कौन सी फाइल? क्वालकॉम सीपीयू जिसके अंदर लगा हो उसकी बात कर रहे हैं। सर मेरे पास फाइलें बहुत हैं। क्या करना है बता रहा हूँ। देखो लाइव की फाइलें पड़ेंगे लाइव की। देखो मैं उनका नाम कॉल आगे जाती है और नेट नहीं चल रहा, वो चीज देखूंगा नहीं मैं। नीचे आएंगे यहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, 24 सेकंड बाद अपने आप डाउनलोड हो।
सर सर फाइलें सर मेरे पास एक हाँ. फोन है जिसमें सर ना उसमें लिखा आता है कि योर बैटरी टेम्परेचर इज फुल और ऑटोमेटिक वो स्विच ऑफ हो जाता है. कौन सा मॉडल है? जियो का है. Q105 मुझे आज समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्योंकि मेरा लिंक बार बार कट रहा है. पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है. अभी तो कनेक्टेड हैं लिंक पे, कोई दिक्कत नहीं है लिंक पे. वैसे सब लोग कनेक्टेड हैं, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? एक बार मैं दोबारा एक बार करूं कैसे? तो इन काट के एक बार पूरा कर लीजिए दोबारा कर लीजिए. आज मोहम्मद साहब नहीं आए ना प्लान पे? नहीं आज मोहम्मद साहब नहीं आज मोहम्मद साहब इतना आवाज करते हैं. कहाँ हो भाई? क्लास चल रही तुम्हारा पता है? अच्छा पता नहीं. अरे तो सॉफ्टवेयर वाली क्लास चलेगी, ऑनलाइन क्लास थोड़ा चलेगी. मैंने व्हाट्सएप पे आपको लिंक भी सेंड किया था. ओम प्रकाश आपने चेक किया आपके पास यो F90 ऐप की फाइल है? सर मेरे पास फाइल आगे डाउनलोड हो गई वो. चलो ठीक है, इनका डाउनलोड हो जाए करवा देते हैं सर. आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं किस तरीके से फाइल फ्लैश फाइल लोडर ये सर क्या करवा दिया आपने? डाउनलोड फ्लैश फाइल डाउनलोडर नहीं, इनका ड्राइवर हो रहा कंप्लीट. अच्छा फाइल करवाइए क्या? नहीं फाइल नहीं है, फ्लैश इमेज. ड्राइवर पढ़ रहा है कॉल कंप्लीट. अच्छा तो मेरे में हुआ था अभी. आप कंप्लीट डिस्टर्ब सेट कर लीजिए. हो गया कंप्लीट ये सर. लावा कहाँ लेना? वो कहाँ है? MI कहाँ है? माइक्रो मैक्स जियो कहाँ है? दिखा सकता हूँ. इन्हीं के अंदर भी तो क्वालकॉम CPU लगे होते हैं कोई मॉडल पे, अभी आपको बता दे रहे हैं. चलिए सर ये शेयर स्क्रीन, अभी आप जान जाओगे कौन से जो है क्वालकॉम का है कौन सा और अदर मॉडल का है, उनकी फाइलों में लिखा होता है ना. शेयर करें सर. किशन कुमार को सेंड करने शेयर करने. तो अभी फाइल अपन सीख तो लो पहले कौन सी फाइल है. किशन कुमार फाइल इसकी शेयर करो फटाक से. चलिए ओके. अब आपको क्यूफिल जो है टूल ओपन करना है. सबके में जो है डाउनलोड हो चुके हैं. QFIL फ्लैश टूल ओपन करिए. हो गया सर. ठीक है अब आपकी फाइल कहाँ जो आपने डाउनलोड की थी GOF90MP फाइल इसको मिनिमाइज कर दीजिए. हमको फाइल के पास लेके चलिए. ये इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आओ. एक्सट्रैक्ट करो बाहर. एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे अच्छा जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया था 7-Zip का यूज किया करो. ठीक है सर.
ओपन करिए फाइल टूल भी दिया हुआ है बताने के डाउनलोड देखिए यहाँ पे इनके इसमें डॉट एम्बियन करके जो सिस्टम दिया गया है दिया गया और भी कई सारी देखो फाइलें हैं उनमें देखो .mbn जो है लिखा है तो आप अगर mbn अगर फाइल में लिखा है तो आप समझ जाओगे वहाँ पे क्वालकॉम सीपीयू जो है लगा हुआ है ठीक है और थोड़ा नीचे आइए फाइलों के फाइल नीचे लाइए थोड़ा बस रुके यहाँ पे जैसे लिखा है ddr.8909ddr.mbn फायर हाउस की जो पहली फाइल इसी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं ठीक है ये ध्यान रखना आप इधर अरे .mbn नवाज c09ddr.mbn ऊपर वाला उसे ऊपर ये वाला हाँ ये वाला यही फाइल हमेशा फर्स्ट सेलेक्ट होती है अब इसको काट दीजिए आप देख लिया कि फाइल mbn फॉर्मेट में होती है क्वालकॉम सीपीयू काट दीजिए यहाँ पे इसको सर उसको नीचे भी तो है अरे उससे कोई मतलब नहीं आपको अभी बहुत सारी चीजें हैं वहाँ तो बहुत सारी फाइलें हैं लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ दो फाइलें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि नो पोर्ट अवेलेबल लिख के आ रहा है और यहाँ पे क्या लिखा है मेटा बोल्ट लिखा है तो आपको जो है फ्लैट बोल्ट पे हमेशा फ्लैशिंग करनी है मेटा बोल्ट पे बहुत पुराने सेट होते हैं या कोई सेट ऐसा होता है जो फंस जाता है तब आप जो है मेटा मोड पे करते हैं या कुछ जैसे कि लाइव का एक मॉडल है जियो 220B उसको हम लोग मेटा बोल्ट पे जो क्लिक करके फ्लैश करते हैं और जितने भी चीज़ें हैं जितने भी फ्लैशिंग हैं सारे के सारे फ्लैट बोल्ट पे होंगे तो आपने फ्लैट बोल्ट पे कर लिया अब इसके बाद यहाँ पे लिखा सिलेक्ट प्रोग्रामर यहाँ से हमें अगर फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी क्लिक करिए इस पर ब्राउज पे सर 220 तो बहुत आता है 220 बिट का तो वो भी बताएंगे जैसे आप आएंगे यहाँ पर फाइल पड़ी है ओपन करिए फाइल और देखो यहाँ पर सबसे पहले वाली हमने आपको बताई थी ddr.mbn वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाली emmc फाइल कौन कर दिया हर नंबर की कर दी नहीं हर नंबर की फाइल सेलेक्ट होगी ये वाली हाँ ये emmc वाली ठीक है एक बार फिर क्लिक करिए ब्राउज पे बता दे फाइल को गलत गलती करते रहोगे हाँ सर सर यहाँ पे देखो लिखो कंफ्यूजन हो जाता है सर नहीं आपको बता तो रहे हैं यहाँ पे पहली वाली फाइल सेलेक्ट करनी सबसे पहले ऊपर ये फाइल तो खुल गया इसी को मैंने यहाँ पे बता दिया कि लिखा भी आएगा अब आपको क्या करना है प्रोग्राम लिखा है प्रोग्राम emmc उसको करना रहेगा ठीक है क्लिक कर लीजिए इसको ओपन इसके बाद आपको क्या करना है लोड xml लिखा है इस फाइल को लोड करना है करिए क्लिक लोड xml पे यहाँ पे जो है पहली वाली लिखी है रा प्रोग्राम एंड स्पेयर सबसे पहले फर्स्ट क्लिक करिए इसको ओपन पैच जीरो वैसा इसके अंदर पैच जीरो सेलेक्ट होती फाइल ओके अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है तो सॉफ्टवेयर हो जाएगा लेकिन डाउनलोड का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा क्लिक ही नहीं होगा और ऊपर देखिए पोर्ट नहीं बन रहा हाँ नो पोर्ट अवेलेबल तो जो यानी कि फोन अभी कनेक्टेड नहीं है तो कोई फोन है आपके पास कनेक्ट करिए कोई भी करिए क्वालकॉम का तो यहाँ पे जो है पोर्ट दिखाई देगा डाउनलोड का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा ऐसे जियो के साइड तो मैं तो आए दिन जो सॉफ्टवेयर आप लोग करते हो तो इसी से आप कर सकते हो फ्री टूल से अब इसमें एक प्रॉब्लम भी आती है उसको भी सुन लो कभी कभी आपको सब कुछ सही होगा फाइल भी सही होगी टूल भी सही है और यहाँ पे लेके आएगा सहारा फाइल नीचे की तरफ सॉफ्टवेयर नहीं होगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हेल्प पे आप जाइए हेल्प पे क्लिक करिए एक सेकंड सर एक सेकंड पहले इसका क्या नाम है कोई भी लगाऊं तो सर उसमें आ जाएगा ही मतलब बूट की वगैरह कुछ नहीं दबानी पड़ेगी
कुछ ना, वही आपको आइडियल मोड में फोन को कनेक्ट करना है बस। मैं सिंपल लगा दूं बस। आप आइडियल मोड में पोर्ट में कनेक्ट करा के लगाना है ना, कि पोर्ट बने उसका आईडी कौन फिक्स करने को। सर इसमें भी तो मतलब बटन दबाना पड़ता ना, पावर वाली या नीट वाली या एंड्रॉइड की। हां उसमें उनके में स्टार दबाए तो कनेक्ट हो जाता है, उनके अंदर जो है तो बूट की होती है। ठीक है जी, गूगल पे सर्च कर सकते हैं अगर जियो की बात करें तो। यहाँ पे गूगल क्रोम खोलो, सर्च करके इसको दिखाओ किस तरीके से जो हम लोग। मेरे पास सर 220 बी है सर अभी फिलहाल। 220 बी है तो उसकी फाइल नहीं होगी। आप कनेक्ट करिए उसको, कनेक्ट तो करिए कम से कम। कनेक्ट कौन से होगा, बूट की कौन सी है इसकी 220 की, मैं देखता हूँ। स्टार दबाओ सर, स्टार स्टार। एक बार गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए आप, स्टार पकड़ के केबल लगा सर हो जाता। कैसा, आप एक बार गूगल क्रोम ओपन करिए। नहीं हो रहा था कनेक्ट तो मेरा वाला। आप एक बार गूगल क्रोम ओपन करिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ पे लिखिए जियो आल मॉडल बूट की, बूट की एंटर करिए। आ गई है, देखो कई सारे मॉडल यहाँ पे दे दिए गए। सर अप प्लस डाउन है, ऊपर और नीचे है। ठीक है, ये आगे जाके ये तो 90 का ना यार। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे एक सेकंड, यहाँ पे लिखा जियो लाइव फोन बूट की और यहाँ पे लिखा टेक्निकल। वहाँ बताया क्लिक करो। इतनी जल्दी क्यों है भाई, थोड़ा सा ये है सर ये वाली। हाँ तो वहाँ पर भी है, वहाँ पर स्टार एंड हैश, स्टार एंड हैश। कई सारे यहाँ पे जो है मॉडल दिए गए हैं उनकी जो बूट की है। ऐसे आप जो है देख सकते हैं कौन वाली को, मोबाइल को ऑफ करके ये दोनों जो सिंगल पावर जिसमें जो बटन लिखी है वही बटन दबा के डाटा केबल जो है लगानी है। मेरा 220 भी है सर, इसमें ये आ रहा है स्टार और है तो स्टार एंड है। दो मोबाइल को पहले ऑफ करिए फिर दोनों बटन जो है प्रेस करिए फिर डाटा केबल दोनों को साथ में। सर स्टार एंड है लिखा है तो हां दोनों बटन एक साथ दबानी पड़ेगी। हां एक साथ दबानी, मोबाइल चार्ज होना चाहिए। मोबाइल तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था अभी, इसकी बैटरी वैटरी तो कुछ नहीं खत्म नहीं है मेरे मोबाइल में। बैटरी चार्ज नहीं होगी ना, बैटरी चार्ज। अगर बैटरी वैटरी में दिक्कत है। और किसी के पास सेट है कौन, कहाँ गई है अभी? इसरार बताइए कौन सा मॉडल है आपके पास। सर मेरे पास है सर, प्लस करके देखो जियो 220 है सर। ये 220 इसकी फाइल है आपके पास डाउनलोड? कुछ भी नहीं है सर, फाइल नहीं है। ये कौन सा सीपीयू है वो भी नहीं है, ये नहीं पता चला। क्वालकॉम टूल्स वो तो उसके अंदर क्वालकॉम का सीपीयू लगा है, तो आप सीपीयू मॉडल नंबर डाल के सीपीयू टाइप चेक कर सकते हो ना कि कौन सा क्वालकॉम का है। सर मैं इससे पहले ट्राई